उत्तराखंड का कामकाज पिछले 5 दिन से ठप्प पड़ा हुआ है। उत्तराखंड में ना कोई फाइल एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को भेज पा रहा है, ना कोई फाइल मुख्यमंत्री तक पहुंच पा रही है, ना कोई फाइल मुख्यमंत्री से दूसरे विभागों, मंत्रियों या अधिकारियों तक पहुंच रही है। आम आदमी ना कोई रजिस्ट्री कर पा रहा है और ना कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा पा रहा है। उत्तराखंड में आखिर ये क्यों हो रहा है? उत्तराखंड में वास्तव में एक साइबर अटैक हुआ है और इस अटैक का नुकसान सरकार से ज्यादा आम आदमी को हो रहा है। सरकारी दफ्तर में फाइल अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, बैठक में कुछ फैसले हुए, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में वास्तव में हुआ क्या है। 30 सितंबर को खबर आई कि उत्तराखंड में साइबर अटैक हुआ है। आईटी एक्सपर्ट्स जो काम करते हैं वो इस काम में लग गए कि आखिर समस्या क्या है। समस्या उनको समझ में आ गई थी लेकिन इस समस्या का समाधान उनको नहीं मिल रहा था। मामला आईटीडीए यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी से होते हुए शासन तक पहुंचा। आईटीडीए यानी उत्तराखंड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, सारी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स का एक तरीके से संचालन आईटीडीए के जरिए ही होता है। यही वो एजेंसी है जो मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें शिकायत कोई भी आदमी मुख्यमंत्री से कर सकता है और मुख्यमंत्री जिसका तत्काल जवाब दे सकते हैं, इसी एजेंसी के जरिए वो कामकाज होता है। लेकिन यहां पर एक साइबर हमला हुआ। हमला तो हो गया लेकिन ये हमला रोकने में उत्तराखंड सरकार की एक्सपर्ट एजेंसी नाकाम क्यों रही? एक्सपर्ट्स क्यों इसका समाधान 5-6 दिन से निकाल नहीं पा रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इसके बाद खड़े हो गए, क्योंकि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। आम आदमी छोटे छोटे कामों के लिए कई कई किलोमीटर का सफर तय करता है। पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूं, शहरों की नहीं। और जब वो नगर पंचायत में पहुंच रहा है, जब वो ग्राम पंचायत में पहुंच रहा है, जब वो रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंच रहा है, तो पता चल रहा है कि कामकाज ठप पड़ा हुआ है। अब वास्तव में 2-3 प्रकार की चीजें होती हैं। आईटीडीए एक ऐसी एजेंसी तैयार की गई थी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का खाका उत्तराखंड में खींचे। जिस समय उत्तराखंड बनाया गया था उस समय बात कही गई थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उत्तराखंड बड़ा हब बन सकता है, लेकिन यह हब बन नहीं पाया। खैर, आईटीडीए जरूर बन गई और प्रदेश में यह सुकून जैसा महसूस होने लगा कि कुछ काम आईटी के होते हैं और उसके लिए मैनुअल काम नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन एक डेटा सेंटर होता है जो आईटीडीए है और एक इसका रिकवरी सेंटर होता है, जो आमतौर पर जहां मेन डेटा सेंटर होता है उससे सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर तैयार किया जाता है। और इसका एक तकनीकी कारण भी है। अगर किसी जगह, भगवान ना करे, कोई दुर्घटना हो जाए, आग लगने जैसी घटना हो जाए या भूकंप आने जैसी घटना हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो वो डेटा सेंटर तबाह हो सकता है। अगर वहां आग लग गई तो कैसे डेटा रिकवर करोगे? इसीलिए वो डेटा सेंटर कई 100 किलोमीटर या हजारों किलोमीटर दूर तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई अपनी यादगार चीजें हैं जो आपने फोटो या वीडियो के रूप में सुरक्षित रखी हैं, तो आमतौर पर उसकी भी आदमी 2-3 कॉपीज बना के रखता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की आईटीडीए ने यह काम नहीं किया और इसीलिए आईटीडीए कई लोगों के निशाने पर आ गई है। अब जब 5-6 दिन से डेटा रिकवर नहीं हो रहा था, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बैठक लेनी पड़ी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में मुख्यमंत्री लगातार व्यस्त थे और जब वो देहरादून पहुंचे तो उन्होंने शाम को अपने कार्यालय में, कैंप कार्यालय में, तमाम अधिकारियों को बुलाया और मीटिंग ली और सारी जानकारियां इकट्ठी करी। और जब सारी जानकारियां मिली तो पता चला
कि डेटा रिकवरी सेंटर बना ही नहीं है उत्तराखंड में। इसलिए अब निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से गया कि एक तो डेटा रिकवरी सेंटर बनाया जाए। सवाल यह भी है कि 24 साल से डेटा रिकवरी सेंटर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आईटीडीए तो जब बनी उससे पहले ही डिजिटल होने का काम शुरू हो चुका था। एक बात और बोली गई कि जो भारत सरकार है या देश के अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार का काम आईटी से जुड़ी हुई सरकारी एजेंसियां करती है उसका भी परीक्षण किया जाए और उसको भी देखा जाए कि आखिर वो कैसे काम करते हैं। यह पहले क्यों नहीं देखा गया, यह भी एक सवाल है। मुख्यमंत्री को क्यों निर्देश देना पड़ा? और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया कि आखिर जो मॉनिटरिंग होती थी वो मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सी एजेंसी थी। एक निजी एजेंसी को काम दिया गया था कि वो आईटीडीए के तमाम क्रियाकलापों पर जो ऑनलाइन होते हैं उसकी एक मॉनिटरिंग करे, लेकिन मॉनिटरिंग करने के लिए जो पता चलता है डैशबोर्ड जो होता है कॉमन डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड नहीं है। एक चीज को देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है और वहां से सारी चीजें पता चलती हैं, वो डैशबोर्ड भी नहीं है। अब निजी एजेंसी के क्रियाकलापों पर सबकी नजर है कि बलि का बकरा किसे बनाया जाए। हो सकता है कि तमाम लोग मिलकर बता दें कि ये निजी एजेंसी काम कर रही थी और ये निजी एजेंसी ने काम ठीक से नहीं किया, इसलिए उत्तराखंड में एक साइबर अटैक हो गया है और इसका समाधान निकालने में हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग सकता है। भविष्य में जो रिकवरी सेंटर बनेगा वो एक अलग बात है, लेकिन यह तय है कि इस पूरे गड़बड़ जाले में एक एजेंसी, निजी एजेंसी, निजी कंपनी के सिर पर इस गड़बड़ जाले का ठीकरा फोड़ा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में इस एजेंसी को आईटीडीए के काम से बाहर कर दिया जाए और दूसरी और बड़ी एजेंसी को हायर कर दिया जाए। अब देखना यह है कि जिस निजी एजेंसी के क्रियाकलापों पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं वो अपने पक्ष में, अपने बचाव में क्या क्या तर्क दे सकती है, क्या क्या कुतर्क वो दे सकती है। और यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं उनका क्या असर होता है। मैंने पहले ही कहा अगर सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होगा तो उसका असर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पर कम पड़ेगा, सीधा सीधा कहें सरकार पर उसका असर कम पड़ेगा, असर एक आम जनता पर पड़ेगा। उस आम जनता पर खासतौर पर सोचिए जो गांव देहात में बस पकड़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाता है, फिर बस से सफर करके एक सरकारी दफ्तर पहुंचता है और वहां पर अगर उसका काम इसलिए ना हो क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही है तो उसका पूरा दिन पैसा बर्बाद होता है। अब कितनी जल्दी डेटा रिकवर हो पाएगा, कितनी जल्दी सरकारी काम काज ऑनलाइन तरीके से शुरू हो पाएगा, सीधा कहें तेजी कब तक सरकार पकड़ पाएगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। और सीएम धामी के जो निर्देश हैं उनका क्या असर होगा ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण है। वैसे ऐसा तो है नहीं कि निर्देश पहली बार ही दिए गए होंगे, निर्देश कहां कहां से कैसे कैसे प्राप्त हुए, क्यों क्यों अमल में नहीं लाए गए पिछले जब से आईटीडीए बनी है, इसका भी परीक्षण अगर हो जाए तो तस्वीर थोड़ी सी साफ जरूर हो सकती है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।